हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राची की देसी रसोई में। तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन आलू की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो आज हम इसे बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के। तो आपको अगर ये पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें और बताएं कि हमारी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंगन आलू सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले, चलिए, जीरा, हरी मिर्च, उसके बाद हम लेंगे हल्दी पाउडर जो कि एक चम्मच लेना है। इसके बाद हमें लेनी है आधी चम्मच लाल मिर्च, जो कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फिर एक चम्मच धनिया पाउडर लेना है। फिर आपको एक से दो टमाटर लेने हैं, ठीक है। फिर आप लेंगे इसमें खटाई पाउडर, जो कि मैंने एक चम्मच लिया हुआ है। इसके बाद आप लेंगे कसूरी मेथी, ये तो मस्ट होती है। इसके बाद आप लेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर, जो कि हमारी सब्ज़ी को बहुत टेस्टी बनाता है। इसके बाद आप लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक। उसके बाद देंगे धनिया, जो कि पहले से मैंने कट करके और धुला हुआ रखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुकर में आप तेल गरम कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें डालेंगे हम सबसे पहले, इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें जीरा और हींग, जो कि मैंने दोनों को मिक्स करके रखा था। ओके, इसको अच्छे से भुन जाने देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, मैंने इसमें दो हरी मिर्च ली हुई है। इसके बाद आप इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद अच्छे से इसमें मिर्च डालेंगे, जो कि हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। फिर इसमें डालेंगे हम लोग एक चम्मच धनिया पाउडर, फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे जो जब तक इसमें तेल छूटेगा तब तक। फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर जो हमने कट किया था वो डालेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, फिर इसमें नमक डाल देंगे, जिससे कि हमारे टमाटर अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसको अच्छे से चला लेंगे, जब तक ये तेल छोड़ेगा तब तक। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया हमारी सब्ज़ी में, है ना गाइस, कितनी अच्छी लग रही है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें, अच्छे से सॉफ्ट हो गए टमाटर। अब इसमें आलू, जिसमें मैंने चार आलू लिए थे वो मैंने कट करके रखे हुए थे, वही इसमें अच्छे से डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, सारे आलूओं को डाल दें। चार आलूओं को मैंने धो के रखा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें मैंने चार बैगन लिए थे, छोटे साइज़ के, मीडियम साइज़ के जो बैगन थे वो मैंने पहले से कट करके रखे थे, मैं इसमें बैगन डाल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो कि मैंने मिक्स कर लिया है। नमक तो हम इसमें पहले से डाल चुके हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज़ करें। फिर इसमें आप दो गिलास पानी डालें, सिर्फ दो गिलास। हाँ, जितनी आप सब्ज़ी देख रहे हैं, मैंने इसमें सब्ज़ी में जितना पानी डाला है इसी तरह से आपको रखना है पानी को। फिर आप इसमें तीन सीटी आने तक इसको पकाएंगे, सिर्फ तीन सीटी आने तक। देखिएगा, इस तीन सीटी लग चुकी हैं और सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी हो गई है। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर जो हमने आधी चम्मच निकाला था वो डाल देंगे। फिर इसमें हम खटाई पाउडर डालेंगे जो हमने एक चम्मच निकाल के रखा था। फिर इसमें हम कसूरी मेथी जो मैंने हाथों से अच्छे से क्रश कर ली थी वो डालेंगे। ये अच्छे से मिला देंगे, देखिएगा इस कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, आप देख सकते हैं। फिर इसमें धनिया डालेंगे, ये गाइस धनिया देखिए इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप खुद देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है। बहुत टेस्टी सब्ज़ी आई है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।